हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। देखिए व्यूअर्स, हमें कोई पूछे थे कि हम अगर सीमेंट से शेल्व्स बनाए समझ लीजिए तो उसके बाद हम फर्नीचर का वर्क कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते तो किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, कर सकते वो अब आपको बताना चाहूँगा। ये वीडियो में भी हेल्पफुल हो सकता है, एंड एक दो तीन टाइप का मैं शेल्व्स कवर्स बताना चाहूँगा। आपको डिज़ाइन का भी नॉलेज मिल जाएगा और उसके साथ ही एक अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, एंड हेल्प मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। अभी देखिए व्यूअर्स, मैं आपको फुल व्यू में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है एक कबर्ड है। ओके, इस कबर्ड में आप किस तरह से बना सकते हैं। ये जो है पूरा कंप्लीट शेल्व से बनाए, मतलब पूरा जस्ट आउटर कवर किया गया, बाकी का अंदर जो मटेरियल है ना, बाकी का अंदर का मटेरियल वो है शेल्व्स, सीमेंट का शेल्व से बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लोज कर चुका हूँ। ओके, ये हैंडल्स बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा है हैंडल्स कंपेयर टू अदर वन। एंड ये जो है सीमेंट का मटेरियल है टोटल, जितना भी है एक लगभग आपको 1 फीट 3 इंच तक लिया गया, 1 फीट 3 इंच या फिर 1.5 फीट तक, 1 फीट 6 इंच तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको ऐसा सपोर्ट देते हैं। ओके, इस तरह से सपोर्ट, एक आउटर, एक 4 इंच 5 इंच का लेते हैं, 5 इंच लगभग है जो है ना, 5 इंच का है, 5 इंच का जो है लेके अंदर जो है 4 इंच चले जाता, बाहर 2 इंच का रखते हैं। रख के नेक्स्ट इसको ड्रिल ऐसा कुछ करके फिटिंग करते फिर आउटर फ्रेम को। ओके, यहाँ पर आप देखिए एक आइडिया मिल जाएगा आपको कैसा फिटिंग करते हैं कैसा नहीं। फिटिंग करके फिर नेक्स्ट ऐसे एक एक्स्ट्रा लिया गया, एक्स्ट्रा लेके ऐसा ऐसे बनाया समझो। ओके, चार नमने का मैं शेल्व्स कबर्ड अलमीरा शेल्व्स दिखाना चाहता हूँ फर्नीचर में। सिर्फ इतना ही बनाना है आपको, लगभग आपको 20,000 रुपये तो चाहिए पूरा फुल फ्रेम बनाना है, तो सिर्फ इतना ही आउटर फ्रेम बनाना है तो 10,000 में आप बना सकते हैं, 10-12,000 में हो जाएगा, लेबर कॉस्ट जो है 25% एक्सक्लूड करके। एक टाइप का अलमीरा कबर्ड डिज़ाइन देख लीजिएगा, डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही कलरफुल बनेगा। घर के अंदर आए तो एक महसूस होता है, खुशीपन महसूस होता है। ये जो हैंडल्स है, हैंडल का डिज़ाइन समथिंग डिफरेंट, उसमें मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कुछ इस तरह का चीज़ मटेरियल। बहुत सारे जगह मैं साइट विजिटिंग करता हूँ, बट इस तरह का हैंडल फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एंड ये भी सेम उसी तरह का सपोर्ट दिया गया है, इधर देखिएगा ये शेल्व्स नॉर्मल। ओके, उसको जो है कवर अप किया गया है फर्नीचर से। ओके, फर्नीचर से कवर किया गया है इस तरह का। इसमें क्या क्या आते हैं देख सकते हैं, अगर पार्टीशन आपने नहीं बनाया तो इसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर पार्टीशन बनाया गया, इसको भी सेम आउटर लगा के इसको, बट कुछ अंदर सामान रखे समझ लीजिए, तो इधर तो ड्रावर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज यूजुअल दोस्तों, और एक मैं दिखाऊंगा इसके अलावा और दूसरा भी। इस सोफे के अंदर कर्व के, कर्व कैसा बनाते हैं मालूम है आपको, ऐसा देखिएगा सपोर्ट रखते हैं ऐसा। मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था। यहाँ पर भी सेम एक बच्चों के रूम में कबर्ड कबर्ड का डिज़ाइन,
हैंडल्स सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हैंडल्स कितना खूबसूरत है, समथिंग डिफरेंट स्टाइलिश, ओके एक तरह का हैंडल। ऐसा जब हम शॉप में जाते हैं ना तो हमें बहुत कंफ्यूज होता है कौन सा लियो कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सब बहुत कंफ्यूजन है। तो आपको बैठे घर बैठे बैठे इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे बीदर के इन्वेस्टरों की वजह से, नहीं तो कुछ भी मालूम नहीं होता था। अंदर फिर इसको एक है ऐसा डबल समथिंग डिफरेंट डिफरेंट बनाया गया, सेम उसी तरह इधर भी शेल्व्स थे उसको जो है कवरिंग किया गया आउटर फ्रेम से। मेरे बोलने से अच्छा है आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये फर्नीचर वर्क मेन चीज़ क्या है ऐसा बनाते समझ लीजिए। ओके यही है मेन इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा आउटर बाउंड्री फ्रेम बना के उसको सपोर्ट देते हैं। यहाँ से 2 इंच बाहर आया देखिए, वो एक याद रखने वाली चीज़ है। एंड इसको किल्ला मारते हैं पूरा पैक, फिर और एक टाइप मैं दिखाऊंगा आपको। तो घर में कोई लेडीज़ है तो उनके लिए इस तरह का बनाया है। एक कबर्ड का शेल्व्स का डिज़ाइन, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड इधर भी सेम उसी तरह से हैंडल्स बनाएंगे, इस टाइप के हैंडल्स है सेम एज यूजुअल। ओके ये ओपनिंग में तो इन टाइप के मैं बताया हूँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएगा। एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। स्पेशली गर्ल चाइल्ड जिनके पास भी गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये वाला बारबी डॉल वाला अच्छा लगता है। ओके और इन फ्यूचर में डोर का डिज़ाइन भी दिखाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स जो घर में इस्तेमाल किया गया है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।